हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पेज नंबर 19 बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, एक्सरसाइज है आपकी मैथ की बुक की, जो है एक्सरसाइज है पेज नंबर 19 पर। सभी लोग ओपन कर लीजिए बच्चों। ये देखिए क्वेश्चंस लिखा हुआ है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस आपको दिया गया है, द नंबर ऑफ लेटर्स इन नंबर नेम ऑफ फाइव इज। इसकी मीन्स हो जाएगी, यानी कि फाइव की जो स्पेलिंग है FIVE, उसमें कितने लेटर्स होते हैं। तो बच्चों, फोर लेटर होते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4 एंड सी ऑप्शन है आपका 5। तो 4 पर आपको टिक करना है। ये देखिए 4 बॉक्स, देखिए 4 के सामने एक बॉक्स बना हुआ है, इसी में आपको करेक्ट का टिक करना है। ये ऐसे जैसे मैम आपकी जो है कॉपियाँ चेक करती हैं, ओके, वैसे ही आपको यहाँ पे टिक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग रीड करिए, द नंबर नेम 2 रिप्रेजेंट्स। देखिए, जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है TWO, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस 2 को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 को तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं, 4 को रिप्रेजेंट करेगा नहीं, वो 2 को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जो है, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? ए वाला है। तो आप जो है 2 के सामने जो है इसको टिक कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द नंबर नेम फॉर 8 इज़। अब देखिए, यहाँ पे 8 यहाँ पे नंबर्स में लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए में 5 राइट है FIVE, बी ऑप्शन में आपका 7 राइट है SEVEN, ए भी करेक्ट नहीं है, और देखिएगा सी ऑप्शन में आपका 8 राइट है EIGHT, 8, यानी कि 8 की स्पेलिंग आपकी ये है, ओके। तो इसके बॉक्स के साथ, इसी के बॉक्स में 8 के जो सामने बॉक्स बना हुआ है, उसी में हमको करेक्ट टिक का ऑप्शन, करेक्ट टिक जो है मार्क आपको राइट कर देना है। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटल मैथ्स, उसके बाद क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। आइए इनको रीड करते हैं और इनके जो है आंसर्स जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। आप लोग जानते ही होंगे लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिएगा, 9 जो है आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो आप जो है यहाँ आंसर में आप लोग राइट कर देंगे, जब आप कॉपीज़ में लिखेंगे, अपनी अपनी कॉपियों में लिखेंगे, तो 9 आपको यहाँ पे राइट कर देना है। तो लार्जेस्ट नंबर इज़ 9। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी फिंगर्स डू वी हैव इन वन हैंड। इसकी मीन्स हो जाएगी, क्वेश्चंस का मीन्स हो जाएगा, आपके वन हैंड में कितने फिंगर्स होते हैं। सबको मालूम है, सभी लोग आपके काउंट करिए बच्चों अपने अपने हैंड्स में, तो 5 फिंगर्स होते हैं आपका, आपके वन हैंड में जो है 5 फिंगर्स होते हैं, सभी के होते हैं 5 फिंगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाउ मैनी आर्म्स डज एन ऑक्टोपस हैव। ऑक्टोपस आप लोगों ने टेलीविज़न में देखा होगा, या आप जू में गए होंगे तो जू में देखा होगा ऑक्टोपस को, तो उसके कितने आर्म्स होते हैं? तो 8 आर्म्स होते हैं। आप लिखेंगे 8 आर्म्स एंड ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाउ मैनी लेग्स डज अ कैट हैव। हाउ मैनी लेग्स डज अ कैट हैव। बिल्ली के कितने पैर होते हैं? सभी लोग जानते हैं उसके 4 लेग्स होते हैं, तो आप आंसर में लिख देंगे 4 लेग्स, ए कैट हैव 4 लेग्स। हाउ मैनी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। सभी लोगों को पता होगा कितने एक वीक में, यानी कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो आप यहाँ पे 7 डेज इन अ वीक आप राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, फेस चैलेंज है, काउंटिंग फ्रॉम द राइट एंड डू द फॉलोइंग। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कलर द थर्ड बालून
अब देखिएगा 1, 2, 3 आपको जो आपका जो थर्ड बालून है उसको कलर करना है, आप कलर करेंगे और उसको काउंट करेंगे। सेकंड देखिएगा कलर द फिफ्थ टॉय कार, अब देखिएगा फिफ्थ कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5 तो ये वाला कार जो है आपको कलर करना है, उसके बाद काउंट कर लेना है। बच्चों तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू।